रायबरेली समाचार चैनल से जुड़े हजारों दर्शकों को खबरों को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद व आभार। फेसबुक पर फॉलो करें। एनआरएमयू रायबरेली का वार्षिक चुनाव संपन्न। जावेद मसूद बने अध्यक्ष, देव कुमार मंत्री। आज रेलवे स्टेशन में यूनियन कार्यालय रायबरेली में केंद्रीय पर्यवेक्षक उपेंद्र सिंह की उपस्थिति में शाखा का तिल वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से जावेद मसूद को अध्यक्ष व देव कुमार को महामंत्री निर्विरोध चुना गया। शुभम श्रीवास्तव को शाखा का उपाध्यक्ष चुना गया तथा विजयकार राजू श्रीवास्तव, अरुण मिश्रा, श्यामलाल रविंद्र, रवि रंजन, देवेंद्र तिवारी जी, माली जगदीश जी शाखा उपाध्यक्ष चुने गए। सहायक सामग्री के पद पर राजकुमार स्टेशन अधीक्षक राकेश कुमार, राकेश तिवारी, के सिंह, इस्लाम, रामशंकर एवं सोमनाथ को चुना गया। शाखा के कोषाध्यक्ष पद पर शिल कुमार सिंह मनोनीत हुए। सहायक मंडल मंत्री सुधीर तिवारी ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों हर साल पहनाकर स्वागत किया। मंडल से पधारे शाखा के प्रभारी वह मंडल उपाध्यक्ष आर के कनौजिया तथा सहायक मंडल मंत्री संजय श्रीवास्तव ने भी सभी निर्वाचित पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों को स्वागत करते हुए रायबरेली शाखा की एक अनोखी बधाई। 18 पदाधिकारियों के चुनाव के साथ 56 प्रतिनिधि शाखा रायबरेली में चुने गए, जिनमें सभी नए साल माला पहनाकर पूरे मनोयोग से स्वागत किया गया। रायबरेली समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में कमेंट करें व खबर हो आगे आप लोग और ग्रुपों में शेयर करें। क्या है? मैं जावेद मसूद, शाखा अध्यक्ष नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन रायबरेली ब्रांच। आज क्या हुआ? आज इस शाखा की त्रिवार्षिक आम चुनाव और शाखा कार्यकारिणी की बैठक हुई, जो केंद्रीय पर्यवेक्षक श्री उपेंद्र सिंह जी के सामने संपन्न हुई। और इसमें हमारे ऑफिस बेयरर और डेलीगेट्स और सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स, ब्रांच काउंसिल मेंबर्स सेलेक्ट करे गए और उनका स्वागत होने का काम हुआ। चुनाव भी हुआ क्या? हाँ, चुनाव हुआ। चुनाव प्रक्रिया संवैधानिक रूप से पूरी करने के उपरांत ही केंद्रीय पर्यवेक्षक, दिल्ली से आए केंद्रीय पर्यवेक्षक श्री उपेंद्र सिंह जी ने इसकी घोषणा की कि किसको किस पद से मनोनीत और निर्वाचित किया गया है।